हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर स्वप्ना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में होगा एक बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्लॉसी लिपस्टिक लिप में कितना टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग रह सकता है और ग्लॉसी लिपस्टिक को कैसे मैट लिपस्टिक में बदल सकते हैं। लिपस्टिक लगाना सबको ही पसंद है और स्पेशली मुझे बहुत पसंद है। मैं सब कुछ स्किप कर सकती हूँ लेकिन लिपस्टिक कभी स्किप नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ, घर में रहती हूँ तो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। मुझे लिपस्टिक बहुत ही पसंद है और मुझे स्पेशली मैट लिपस्टिक बहुत पसंद है। लिपस्टिक लगा के अगर कहीं भी जाते हो और कहीं पे भी खाना खाते हो, पानी पीते हो, तो वो जल्दी फेस लिप से चला जाता है। तो सबका एक टेंशन रहता होगा कि लिपस्टिक क्यों चला गया, फिर से लगाना पड़ेगा। कहीं भी जाते हो तो फिर से अप्लाई कर लेते हो। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपका लिपस्टिक कैसे लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आप ग्लॉसी लिपस्टिक को मैट लिपस्टिक कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। पहले मैं लिप को एक लिप बाम के जरिए मॉइस्चराइज कर लूंगी। बाद अभी मैं क्या करूंगी, एक ब्रश के जरिए उसको अच्छे से रब कर लूंगी, क्योंकि थोड़ा सा लिप क्रैक हो जाता है तो बहुत सारा छिलका से निकल आता है और उसके ऊपर अगर आप लिपस्टिक लगाते हो तो वो अच्छा दिखेगा नहीं। तो लिप को मॉइस्चराइज करने के बाद एक ब्रश के जरिए इसे उसका रब कर देते हैं। अभी आप देख सकते हो मेरा लिप बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। अगर आप मॉइस्चराइज करने के बाद कुछ भी ब्रश ऐसे अप्लाई करके रब कर देते हो तो लिप थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है और लिपस्टिक उसके ऊपर लगाओ तो और भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपका लिप थोड़ा सा पिगमेंट है, ब्लैक पिगमेंटेशन है, तो आप क्या करोगे ना, पहले लिप में एक कंसीलर नहीं तो फाउंडेशन कुछ भी ऐसे अप्लाई कर लेना, तो जितना पिगमेंट रहता है वो थोड़ा सा चुप जाता है। तो अभी मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर और लिप में ऐसे कंसीलर नहीं तो कुछ भी फाउंडेशन लगाते हो तो लिपस्टिक आप उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई करते हो तो लिपस्टिक का कलर भी पूरा परफेक्ट आता है। जैसे आपका लिपस्टिक का कलर होता है वैसे ही कलर लिप में आ जाता है। तो इसलिए कंसीलर नहीं तो फाउंडेशन आप कुछ भी लगाइए और उसके ऊपर लिपस्टिक अप्लाई कीजिए तो वो दिखने में भी अच्छा लगेगा और कलर भी अच्छा दिखेगा। थोड़ा सा पिगमेंट रहता है, ब्लैक पिगमेंट, तो उसको छुपाने के लिए आप कंसीलर यूज़ कीजिए, नहीं तो फाउंडेशन, नहीं तो कुछ भी ऐसे टाइप का कुछ यूज़ कीजिए तो आपका पिगमेंट वो थोड़ा सा ब्लैक नहीं लगेगा, फिर उसके ऊपर आप लिपस्टिक अप्लाई कीजिए। अभी मैं अप्लाई कर चुकी हूँ और अभी क्या करूंगी ना, एक टिश्यू के जरिए थोड़ा सा मैं प्रेस कर लूंगी। अभी हो गया। अभी नेक्स्ट में मैं क्या करूंगी, एक लिप लाइनर के जरिए मैं लिप का जैसे आउटर पार्ट है ना वहां लाइनिंग कर लूंगी लिप लाइनर से। अभी मैं ग्लॉसी लिपस्टिक अप्लाई करूंगी और ये है मैक की लिपस्टिक और मुझे बहुत पसंद है पिंक सेड, तो मैं पिंक सेड अप्लाई करूंगी।
लिपस्टिक को मैट लिपस्टिक लुक देने के लिए नहीं तो लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए क्या करूंगी, मैं एक टिश्यू पेपर लूंगी और टिश्यू पेपर को मैं ऐसे रखूंगी, आपको एक पतला टिश्यू पेपर लेना पड़ेगा इसलिए, और मैं भी अभी पतला सा ली हूँ, और टिश्यू पेपर को मैं क्या करूंगी ऐसे लिप में लगा लूंगी, और लिप में लगाने के बाद एक लूज पाउडर से नहीं तो टेलकम पाउडर से यहाँ मैं अप्लाई करूंगी। अब देख सकते हो जैसे कि मेरा लिक्विड लिपस्टिक कैसे मैट लुक हो गया है, तो यहाँ भी पाउडर गिर गया है, तो ऑलरेडी वो मैट लुक आ गया है लिपस्टिक में। फिर मैं अभी क्या करूँगी, मैं और एक लेयर लगाऊंगी लिपस्टिक, फिर से मुझे ऐसे ही अप्लाई करना है एक लूज पाउडर, तो वो ज़्यादा टाइम लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो नेक्स्ट में मुझे फिर से अप्लाई करना है लिपस्टिक, मुझे फिर से अप्लाई करना है लिपस्टिक, और ये सेकेंड टाइम मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है, नेक्स्ट में फिर से टिश्यू पेपर लेना है और इसे रखने के बाद यहाँ पे फिर से मुझे एक लूज पाउडर से नहीं तो टेलकम पाउडर से उसको अप्लाई करना है। अभी देख सकते हो पूरा लिपस्टिक मैट लुक आ गया है, और अभी मैं हाथ में भी ऐसे दबाती हूँ तो देखो कुछ भी नहीं लग रहा है फिंगर में। ऐसे ही आपको अप्लाई करना है लिपस्टिक, और ऐसे ही पाउडर के जरिए नेक्स्ट में अप्लाई करना है, और ज्यादा टाइम लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग रहता है ऐसे करने से, कहीं भी जाओगे कहीं भी खाओगे कहीं भी पियोगे तो लिपस्टिक वैसा की वैसा ही रहेगा, क्योंकि मुझे तो बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट मिला है कि तुम्हारा लिप से लिपस्टिक क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जब मेरे साथ जाते हैं वो बहुत जन का लिपस्टिक वो चला जाता है, कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो चला जाता है, तो सब पूछते हैं तुम्हारा क्यों सुबह से जैसे आई थी मॉर्निंग से वैसे ही अभी तक भी वो सेम ही है, तो थोड़ा सा भी लिपस्टिक कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं बोल रही हूँ लिपस्टिक का राज ये ही है, आप भी घर में ट्राई कीजिए। मैं नेक्स्ट में आऊंगी और एक नए ब्यूटी हैक के साथ, टिप्स के साथ, और शेयर करूंगी आपके साथ। तो चलिए बाय बाय।